अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी अहम दावेदारी निभाने जा रही है। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां तक दावा भी कर दिया है कि इस बार के कैबिनेट में निषाद का भी अधिकार होगा। गोरखपुर में हुए व्यापारी घटना के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रदेश के अधिकारियों के स्किल व साइको टेस्ट कराए जाने की मांग उठाई और कहा है कि इस मांग को सदन के माध्यम से कानून बनाए जाने की भी मांग की जाएगी। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी पर निकले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद अयोध्या पहुँचे थे, यहाँ भगवान श्री रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया। तो वहीं 2022 में भाजपा के साथ बहुमत से सरकार बनाए जाने के दावा किया, तो वहीं निषाद पार्टी 2022 की सरकार में कैबिनेट में शामिल होने का भी दावा किया। इस दौरान बात करते हुए समाजवादी पार्टी बसपा व कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। 2019 में आ गए तो आज देखो बिना खून खराबे के शांति से मंदिर बन रहा है। बहुत प्रसन्न हमारा समाज, पूरा देश प्रसन्न है कि जहाँ अशांति फैलती थी मंदिर कहाँ थे बन रहा। अब निषाद राज और राम की विचारधारा 2022 में सत्ता में परिवर्तित दोबारा फिर होगी, मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में लड़ाई हो, मतलब फिर सुना जितनी भारतीय जनता पार्टी ने सीट निर्धारित की है वो हम उससे अधिक जीत कर देंगे। और जो कैबिनेट में जो इतिहास था कि राम निषाद राज के राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे तब राम राज आया था, तो पुनः हम लोग सत्ता में 2022 में निषाद पार्टी अपने वजन भरी थाली से पहुँचेगी और फिर पुनः राम राज लाने की कहानी। 2019 में हाथी लाठी 786 ये तीनों एक हो गए थे 2019 में, लेकिन डॉक्टर संजय मोदी जी के साथ खड़े हो गए। अब देखो सपा अपना बसपा अपना मुसलमान यादव और उनको जिसको टिकट दिया वोट इकट्ठा हुआ, फिर भी ये मछुआरे 160 सीटें जो निषाद बाउल हैं 70 हज़ार से ऊपर हैं, 40 सीटें मैंने लोकसभा में 2019 में दिया था, 2022 में ये 403 विधानसभाओं में 15,000-20,000 वोट हमारे हैं, शहरों में नदियाँ किनारे शहर हैं वहाँ बसे हुए हैं, इनको कोई पूछता नहीं था। इनका जो इनकी दो जून की रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, ये जितनी छीनने वाले लोग हैं उनसे सत्ता छीन लिया। कभी कांग्रेस ने 70 साल इन्हें धोखा दिया, इनकी फाइल गायब कराई आरक्षण की, 70 देख लो कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गया। सपा बसपा ने भी कभी पिछड़ी से निकालते हैं, बहन जी स्टे लेती हैं, हम ऑलरेडी अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेट है। अभी मैं पहली बार सदन से पहुँचूंगा तो जो सेवा जितने अधिकारी कर्मचारी देश में हैं, चाहे पुलिस हो चाहे विभाग में हो, उनका स्किल टेस्ट होना चाहिए, उनका एक साइको टेस्ट होना चाहिए कि उसका सोच क्या है समाज के प्रति, सेवा भाव है, पैसा कमाना है कि अहंकार है कि वर्दी का अहंकार है, ये सारी चीज़ें साइको टेस्ट करके उन्हें अवसर दिया जाए तो शायद समाज को सेवा मिले। जंगल राज था, आप थाने में कौन से पोस्टिंग होती थी आपको मालूम है ना, कैसे भर्ती होती थी पहले मालूम था ना, आज के दिन में कैसे बहन जी को आते ही हरा भरा हो जाता था, उसके सारे नजर आते थे अधिकारी कर्मचारी सबका, कोई मेरा एक अधिकारी नहीं चुना जाता था। 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी, 5 साइकिल, 5 उनके बड़े लोग होंगे, एक मेरा कोई सिपाही नहीं था। आज कम से कम दर्जनों अधिकारी इस व्यवस्था में पारदर्शिता में दर्जनों अधिकारी मेरी बिरादरी की और भी बिरादरी के, तो बिना भेदभाव का हो रहा, समय आने दीजिए। गाँव के बाद गोरखपुर में एक बड़ा कांड हुआ जिसमें व्यापारी की मौत हुई, उसमें तो आखिर सरकार में भी, इस सरकार में भी तो तमाम चीजें ऐसी हो रही है जिस पर देखो घटनाएं तो हमेशा होती रही हैं। ये मैंने पता है ये उस घटना की निंदा करता हूं, हम वर्तना करते हैं और उसे मांग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, घर गए पीड़िता के हिसाब से उसे काम हो रहा। वो पवित्र भूमि है मच्छिन्द्रनाथ की और गुरु गोरक्षनाथ की, उस पवित्र भूमि को कुछ अधिकारी जो है अपवित्र करने की कोशिश की, उन्हें सस्पेंड किया गया, जेल जाएंगे और अभी सीबीआई जांच हुई है, आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए मैंने कहा सदन में जाऊंगा, पहली बैठक में पहली बार मैं आवाज उठाऊंगा जहां कानून बनता है कि साइको टेस्ट हो तभी उसे समाज की सेवा का अवसर मिले, और बिना साइको टेस्ट को कभी उसे हमें तो लाइन में रखा जाए, ऑफिस में रखा जाए। विधानसभा चुनाव में इस बार निषाद पार्टी भी भाजपा के साथ दमखम के साथ लड़ने जा रही है, जिसको लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अयोध्या पहुंचे, रामलला का दर्शन पूजन किया, तो वहीं इस बार 2022 में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ जिताए जाने के साथ कैबिनेट में भी अधिकार
होने का दावा किया है, तो वहीं गोरखपुर में हुए वारदात को लेकर भी अब सरकार से एक कानून बनाए जाने की मांग की है, जिसमें अधिकारियों का स्किल टेस्ट कराया जाएगा। कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफ़ी तेज़ी के साथ चढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बार कई पार्टियों के साथ साथ जातिगत राजनीति भी तेज़ हो गई है।